हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स मैं मनिंदर कौर आपके स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली ईयर्स इन लाइफ ओके और या यू कैन से व्हाई द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ आर कॉल्ड क्रिटिकल पीरियड्स ओके प्रॉब्लम क्या है मुझे क्यों ऐसा फील हुआ एक्चुअली बहुत सारी वीडियोस हम बना रहे हैं बट हम उनके लिए बना रहे हैं जिनका ऑलरेडी डायग्नोसिस हो चुका है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज का राइट इट कैन बी ऑटिज्म इट कैन बी एडीएचडी लर्निंग डिसेबिलिटी सीपी एमआर एनी काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी ओके अब मुझे लगा कि ये तो ऑलरेडी डायग्नोसिस हो चुका है क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाए जिससे कि जो न्यू मॉम्स हैं यू नो या जिनका अभी जिन्होंने कंसीव किया है या जिनकी डिलीवरी हो चुकी है ओके अर्ली मदर्स हैं जो उनके लिए एक हम वीडियो बनाएँ ताकि उनको आगे जाके ऐसा दिक्कत आए ही नहीं यू you नो know, उनके बच्चे बच सकें ताकि जो ऐसे ऐसे डायग्नोसिस हों और थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू हो जाए तो इट्स बेटर देन कि मैं पहले से ही थोड़ा सा अपनी तरफ से मैं अगर अवेयरनेस कर सकूं तो मेरे को लगा कि इस टॉपिक का इवन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है रेदर देन जो मैंने अभी तक वीडियोस पोस्ट कर दी हैं ठीक है थीके? तो आज हम बात करेंगे कि अर्ली ईयर्स को हम कैसे समझें कि क्यों इम्पोर्टेंट हैं वो और हम अपने अर्ली ईयर्स में क्या क्या कर सकते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो इग्नोरेंस में भी ना जाएं स्क्रीन टाइम हम कम दें क्या क्या इंपॉर्टेंस है इन सब चीज़ों की ठीक है पहले तो मैं पेरेंट्स को ये बोलूँगी जो पहले अर्ली ईयर्स हैं उसका मतलब समझिए ठीक है अर्ली ईयर्स का मतलब ये नहीं कि बर्थ के बाद वाला टाइम जब भी हमारे पास बच्चे आते हैं डिसबिलिटीज़ के साथ या पेरेंट्स को लगता है कि यू नो समथिंग इज़ आउट ऑफ ट्रैक यू नो या कुछ भी कुछ गड़बड़ लगती है तो हम पेरेंट्स से हमेशा कहते हैं मदर से बात करते हैं कि आप लोगों की कोई हिस्ट्री तो नहीं है और सेकेंड थिंग जो हम पूछते हैं कि आप जब प्रेगनेंसी में आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं था कुछ ऐसा तो नहीं था जिसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर जा सकता है क्यों ये चीज़ पूछी जाती है अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि जब एक मदर कंसीव भी करती है जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है नाइन मंथ्स के लिए तो उसका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्यों करता है क्योंकि उस टाइम पे भी जो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस पर उस इन्वायरमेंट का बहुत इम्पेक्ट पड़ता है बच्चे को किस सिचुएशन में रखा जा रहा है इट मैटर्स लॉट क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट इस चीज़ से सफ़र करेगी ठीक है अभी हम करते हैं कि आफ्टर बर्थ अब बच्चा हो गया है बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है फोर फोर फाइव फाइव मंथ्स के बच्चे एट एट मंथ्स के बच्चे टेन टेन मंथ्स के बच्चों को हम स्क्रीन टाइम देते हैं और जिसका हमें पता ही नहीं है कि हम कितना टाइम स्क्रीन टाइम दे रहे हैं ऐसा केसेस भी हैं लाइक मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ टिल नाइट अच्छा रात को मेरा बच्चा जागता है अब हम तो थक जाते हैं हमें तो सोना है ना तो रात को फ़ोन ऑन किया और सुबह चार साढ़े चार बंद किया ऐसे केसेस भी हम लोग देख रहे हैं तो एक बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ लिए अर्ली ईयर्स मैं मानती हूँ जीरो टू थ्री ईयर्स अगर जीरो टू थ्री ईयर्स भी आप लोग संभाल लेंगे तो आपकी होल लाइफ में ऐसा दिक्कत नहीं आने वाला है मुझे लगता है कि पूरी लाइफ स्ट्रगल करने से अच्छा है कि अगर तीन साल हम अपने बच्चों के संभाल लें तो उससे बेटर क्या हो सकता है राइट तो क्या करना है बर्थ के बाद बच्चा हुआ है उसका स्क्रीन टाइम कम करेंगे आप लोग सिचुएशनल हो तो भी जितना बेस्ट आप लोग ट्राई कर सकते हो उतना ट्राई करो कि खुद इंटरेक्शंस करो ठीक है अभी क्या है जीरो टू टू ईयर क्या है सेंसरी मोटर स्किल्स का टाइम होता है सेंसरी मोटर स्किल्स बच्चा अपने सेंसरी से एक्सपेरिमेंट करके सीखता है और हम लोग क्या कर रहे हैं उसको बेड पर बिठाते हैं सामने स्क्रीन लगाते हैं तो कौन सा स्टिमुलेशन मिल रही है ओनली विजन वो भी वन वे वन वे कम्युनिकेशन करता है टेलीविज़न हमारे साथ टेलीविज़न बोअर नहीं करेगा टी वी नहीं करेगा कि मैं आगे से आंसर कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ टी अपनी बातें करता जा रहा है बट विच इज़ द मेजर रीज़न कि बच्चे का लैंग्वेज डिले क्यों है क्योंकि उसने सीखा ही वन वे कम्युनिकेशन है टू वे कम्युनिकेशन सिखाने का हमने कभी ट्राई नहीं किया है ठीक है तो सेंसरी मोटर सारी सेंसेस को हमें अपॉर्चुनिटी देनी है बहुत बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कहीं कितने शार्प होते हैं कितने एक्टिव होते हैं तो इट डिपेंड्स कि ज़ीरो टू थ्री ईयर्स में उसको उनको कैसा स्टिमुलेशन दिया गया है ज़ीरो टू थ्री ईयर्स प्लेज अ मेजर रोल यू नो रेस्ट ऑफ फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ early years of life uh, plays a major role plays a very important role to shape the whole life of a child okay so ओके सो इतने क्रिटिकल हैं ये अर्ली ईयर्स अभी हम क्या कर रहे हैं कि सेंसेस को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं कि बच्चा क्रॉल करे बच्चा वो चीज़ टच करे ये चीज़ टच करे ओके okay? बच्चे के साथ हम आई टू तो आई बात करें उसको गोदी में लें यू नो उसको ऊपर वेस्टिबुलर कि कितना कुछ होता था ना जब हमारी अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ थे हमारे हमारे पास बहुत सारी मेमोरीज हैं शेयर करने के लिए बट हमारे बच्चों के पास बिलीव मी me, कोई मेमोरी अभी आगे टाइम तो और ऐसा आने वाला है कि हमारे बच्चों के पास कोई गुड मेमोरीज नहीं होंगी सिर्फ स्क्रीन टाइम है लैंग्वेज सीखना है तो टीवी ऑन कर दो है ना कोई कॉन्सेप्ट सीखना है तो टीवी ऑन कर दो हम उन्हीं एफर्ट्स डालेंगे अपने बच्चे को खुद से सिखाने के तो मैं चाहती हूँ ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो अर्ली मदर्स हैं अर्ली मॉम्स हैं यू नो वो बच सकें अपने बच्चों को डायग्नोसिस कराने से ताकि उनको रेस्ट ऑफ द लाइफ थोड़ा सा उनका सही जाए आई जस्ट वॉन्ट दैट ओके क्योंकि अभी ये प्रॉब्लम तो इतना बढ़ चुकी है इतना बढ़ चुकी है कि समटाइम्स मुझे लगता है कि यार मतलब इतना कैसे होता जा रहा है यू नो इतना ज़्यादा अभी क्या है अगर आप जीरो टू थ्री इयर्स में कुछ कुछ सेक्रीफाइजेस कर सकते हैं अगर फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है क्योंकि आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आज के टाइम पे फाइनेंसिस को सपोर्ट करने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं बट अगर आप ज़ीरो टू थ्री इयर्स में मैनेज कर सकती हैं तो ये बच्चों के लिए आपके बच्चों के लिए बहुत ही सपोर्टिव होगा ठीक है क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कुछ लेडीज़ आती हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं डायग्नोसिस के बाद वो फटाफट से फाइल कर देती हैं सिक्स मंथ्स का एप्लीकेशन हॉलीडे के लिए आई थिंक आप लोगों को पता होगा तो अगर ये चीज़ आप पहले कर सकते हैं तो प्लीज़ आप ये कीजिए ताकि वो नौबत ही ना आए कि आप लोगों को डायग्नोसिस करा के हमारे पास आना पड़े ठीक है सेकेंड थिंग इज़ की मोटर स्किल्स फाइन मोटर है ग्रोस मोटर है अभी इसी वीडियो के थ्रू आई वॉन्ट टू अनाउंस कि अभी हम वन पॉइंट फाइव के टोडलर्स पे भी हम लोगों ने आई पी प्लान बनाना शुरू कर दिया है चाहे वो नॉर्मल हैं बच्चे चाहे उनको कोई इश्यूज आ रहे हैं वो आई पी प्लान हर बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है उसमें विजुअल पे भी काम किया जाएगा बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे भी काम किया जाएगा हर तरीके की सेंसरी स्टिमुलेशन दी जाएगी ठीक है ताकि आपको पता चल सके कि अच्छा कराना क्या होता है बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मैम कराएँ क्या अभी टॉडलर्स से हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि घर पे ऐसे-ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं कि हम इनको इंट्रोड्यूस करें क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं ओके okay? तो कम से कम स्क्रीन टाइम दें बच्चे के सेंसेस को अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो एक्सप्लोर कर सके और आगे जाके आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो सके आपको कोई दिक्कत नहीं आए ओके okay? अच्छा एक बात और मैं इसी के इसी वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूँगी कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास आप लोग जाते हैं वो आपको जल्दी जल्दी नोक नोक नहीं करते हैं कि आपके बच्चे को दिक्कत है आपको ऐसा नहीं करना है थ्री इयर्स ऑफ लाइफ तक आप लोग वेट कर रहे हो कि मेरे बच्चे का स्पीच आ जाएगा क्योंकि पेरेंट्स का स्पीच बहुत डिले था ये आपको नहीं करना है क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जो मेंटल गैप है एज में वो बढ़ता जा रहा है हमें डबल टाइम लगेगा उस गैप को फिल करने के लिए क्योंकि थ्री इयर्स पे भी अगर आप मेरे पास आते हो पहले तो मैं पुराने वाला मेंटल जो एज गैप है उसको फिल करूंगी उसके बाद उसका क्रोनोलॉजिकल एज जो है थ्री इयर्स की वो बंद तो नहीं होने वाली ना थ्री इयर्स से बच्चा साढ़े तीन चार पर तो जाएगा ही जाएगा तो उसके लिए फिर और टाइम चाहिए ठीक है इस चीज़ को समझिए और कुछ भी ये नहीं है कि अपने आप से टॉनिक्स देते जा रहे हो कॉग्नी कोग्नीशंस को इम्प्रूव करने के लिए स्पीच के लिए ऐसा कुछ नहीं है अभी मार्केट में बिलीव मी कि आपको एक टॉनिक दोगे और बच्चे की स्पीच आ जाएगी मतलब मैंने तो नहीं देखा है अभी तक और कॉग्नीशंस के लिए आप लोग दवाई दे रहे हो ट्रिगर किया जा सकता है बट प्लीज़ चाइल्ड स्पेशलिस्ट के कहने पे ऐसी चीज़ें मत करो किसी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन अगर आपको ये चीज़ें लिख के देता है चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट लिख के दे रहा है न्यूरो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट वाले अगर आपको लिख के दे रहे हैं आप सिर्फ तभी देंगे अदरवाइज़ किसी के कहने पे ही कभी आप आयुर्वेदिक के लिए जा रहे हो कभी आप होम्योपैथिक के लिए जा रहे हो ऐसा मत करो इतने ट्रायल्स मत लो ओके okay? जो थेरेपी है वो आप लोगों के बच्चे के ऊपर बेस्ट वर्क करेगी और ट्राई करो कि ज़ीरो टू थ्री इयर्स में अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सको स्क्रीन टाइम के खिलाफ मैं इतना नहीं हूँ वन ईयर का जो स्क्रीन वन सॉरी वन आवर का जो स्क्रीन टाइम है इज़ मोर देन इनफ़ कि आपके बच्चे को स्टिमुलेशन वहाँ से भी मिलती रहे इससे ज़्यादा अगर आप लोग दे रहे हो तो आपको उसका इफ़ेक्ट देखना पड़ेगा ठीक है सो अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस यूज़फुल हैं और आपको अवेयरनेस मिल रही है उन वीडियोस से तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और ये वीडियोस अगर आपके आसपास भी कोई अर्ली मदर्स हैं या जिन्होंने भी कंसीव किया है ठीक है प्लीज़ आप उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएँ ताकि उनके बच्चे जो हैं इस तरीके के डायग्नोसिस से बच सकें थैंक यू सो मच